एक और स्टॉक जो आज बढ़िया तेजी में आपको दिखेगा, वायदा कारोबार का सेकंड बिगेस्ट गेनर है, 7.5% का उछाल इसमें आपको दिख रहा है, इंडस टावर्स। अभी इसकी बात भी हो रही थी, एक फ्रेश व्यू भी लेंगे इस पर, जरा समझते हैं कि चल क्या रहा है इस काउंटर में। कुशल बताइए, वन वे मूव आ रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, आज के क्या ट्रिगर है इंडस टावर्स के लिए? बिल्कुल दीप, आप देखिए अलग लेवल तेजी चल रही है इस काउंटर को लेकर, लगातार हायर हाइज बनाते हुए दिख रहा है, और स्पेसिफिकली YTD आप देखिए तो ऑलमोस्ट 56% तक की बढ़त यहां पर देखने को मिल चुकी है। ऑफकोर्स आपको यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि ब्रोकरेजेस हाउसेज जो है वो बुलिश होते हुए दिख रहे हैं इंडस टावर को लेकर, और हाल फिलहाल में जो नई रिपोर्ट आती हुई दिख रही है उसमें CLA से आप देखिए तो अक्यूमुलेट की रेटिंग देते हुए लक्ष्य 256 रुपए से बढ़ाकर 335 रुपए का कर दिया है इन्होंने, और इसके पहले भी आपने देखा कि यहां पर सिटी ने भी की रेटिंग दी थी जिसमें बेस केस सिनेरियो 320 रुपए का रखा था, जो कि अब ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास ही पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं उनके बेस केस सिनेरियो के हिसाब से, और बुल केस में 400 रुपए का टारगेट्स वो भी देते हुए दिख रहे हैं। अब इसको चुनने की बड़ी वजह इनकी तरफ से जो ट्रिगर्स है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया से जो बकाया है उसकी रिकवरी होने की जो उम्मीद है उसको लेकर दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से वो एक बड़ी री रेटिंग का कारण इंडस टावर के लिए मानकर चल रहे हैं। अब यहां पर इंडस टावर वोडाफोन आइडिया के फंड जुटाने पर जिस तरह से बोर्ड ने अप्रूवल दिया था कि इक्विटी के जरिए आप 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं, तो उसको तो मंजूरी मिल गई थी। कल इसकी एक अहम बैठक होने वाली है इसी चीज को लेकर, EGM होगी, जहां पर शेयर धारक जो है जो 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कर रहा है वोडाफोन आइडिया उसको मंजूरी देते हुए नजर आ सकते हैं, तो उस पर डिसीजन लिया जाएगा कल के दिन में। बट ऑफकोर्स अब यहां पर कौन से इन्वेस्टर्स आते हैं, आगे कैसे फंड रेज करते हैं, वो चीज तो देखने वाली बात होगी। बट हाल फिलहाल में जो एक रिलीफ आती हुई थी जिसके अंतर्गत अमेरिकन टावर्स ने अपने जो वोडाफोन आइडिया के ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे उसको इक्विटी में बदलने का फैसला ले लिया था, तो जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन रहा है जो वेंडर है इंडस टावर उनके लिए, जो कि टावर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, और स्पेसिफिकली आप देखिए तो करीबन 5,700 करोड़ रुपए का बकाया जो है इंडस टावर को वोडाफोन आइडिया ने देना है। ऑफकोर्स यहां पर जिस तरह से क्लियरेंस आगे चलकर होती हुई दिखेगी इंडस टावर की फाइनेंशियल पोजिशन भी सुधरेगी, और एबिटडा आगे चलकर हो सकता है कि ये बकाया क्लियर होने पर डबल डिजिट से ग्रो करता हुआ भी नजर आया, ऐसा CLA से कह रहा है, और सिटी के लिहाज से तो FY25 में यानी कि जो अब मौजूदा नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है उसमें 4,000 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी बना सकते हैं। तो दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस क्लियर कट वोडाफोन आइडिया के जिस तरह से फंड रेजिंग प्लान है और जो अमेरिकन टावर्स ने कन्वर्जन किया अपने OCD को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर वो बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से आप देखिए यहां पर इतना बढ़िया एक्शन बना है। सारी अच्छी खबरें आप कह रहे हैं एक साथ इसके लिए, अभी तक तो यही लग रहा है। 21 मार्च यहां पर अनिल जी ने वेल्थ क्रिएशन के तौर पर इंडस टावर पर आपको खरीदारी की राय दी थी, और वहां से देखिए किस तरह की मूव इस पर आ रही है। उस दिन 248 के लेवल्स पर था, आज 315 के लेवल पर है, 300-325 350 तक के तीन टारगेट्स दिए थे, पहला टारगेट आपके लिए 10 दिन में आ गया है इंडस टावर्स के लिए। इसके अलावा बंसल जी की तरफ से हमने रिसेंटली रिकमेंडेशन देखी है, सिटी साहब इसे रिसेंटली रिकमेंड करके गए हैं, सुमित जी के भी रेडार पर है, और हमने देखा है कि इन सब के भी टारगेट्स आ रहे हैं। बंसल जी ने पिक ऑफ द वीक के तौर पर 2 हफ्ते पहले दिया था, वहां पर भी जो 315 के टारगेट थे वो आते हुए दिखे थे। एक बार पहले टेक्निकल व्यू लेना चाहूंगा, बंसल जी आपको सुमित जी को दोनों को बधाई सर, रिसेंट टारगेट्स भी इसके आ गए, जरा बताएं 315 पर अब चार्ट्स क्या कहती हैं इंडस टावर्स की। बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और ना सिर्फ दीपांशु इसको हमने पिक ऑफ द वीक में मैंने दिया है, इसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली चार्ट कॉर्नर पे रिकमेंड करा है, और अब दीपांशु नजर रखनी चाहिए मेजर लेवल्स के पास आ रहा है, 314 के अराउंड चल रहा है, मेरे को लगता है दीपांशु थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट हो, डिप पे खरीदना चाहिए, 325 एक हर्डल है वो टूटेगा, अब वो ऑन गोइंग अप में टूटता है कि थोड़ा कंसोलिडेट मतलब कि बेस बना के टूटता है, जैसे ही 325 के ऊपर निकलेगा दीपांशु 390-400 की तरफ ये स्टॉक जाएगा, तो डिप आए तो खरीदें, और बिना डिप के 325 तोड़ जाए तब एग्रेसिवली खरीदें। बिना डिप के अगर आए तो भी नजर रखिए, डिप आए तो और ऐड करिए, बट लेवल्स तो आ रहे हैं। 315 का बंसल जी का भी टारगेट आ गया, 300 का अनिल जी का पहला टारगेट आ गया, 325 350 के भी टारगेट्स हैं। और आशीष सर मुझे याद है 2 महीने पहले बजट कैफे में बजट के अगले दिन आपकी तरफ से भी इस पर राय थी, तब आई थिंक 100 रुपये नीचे था, 215 के आसपास होता था इंडस टावर्स, वहां से भी बहुत बड़ी मूव आ गई है, और एक्शन इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दीपांशु? एग्जैक्टली यू आर राइट, और ये स्टॉक है मतलब ये तो सब टेक्निकल तो है ही,
190 से 210 में कितने हफ्ते तक बार बार बोलता रहा डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी। जैसे मैं दीपांशु अब ये सेल भेल एल एन टी हमने अभी 8-6 दिन पहले बोला कि 150-200 रुपए की मूव है, जब एक्सपायरी अलर्ट में था 250 रुपए की मूव। तो दीपांशु एल एन टी तो एक अलग चीज है, ये स्टॉक जब एक भाव से अब आपने 210-15 पे इतना अक्यूमुलेशन सबको बोला, उसके बाद ये हो गया। अब अगर इसके ऊपर निकल गया ना दीपांशु, सबके पास खत्म हो जाएगा, किसी के पास रहेगा ही नहीं। जितने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स भी हैं, जो बड़े भी हैं, वो भी कहेंगे कि 100-100 रुपए पड़ गया, अब निकल जाते हैं। इसके बाद जो मूव आती है ना, वो कोई भी नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो अब जैसे अब ये सेल 120-30-40 कितनी बड़ी कंसोलिडेशन हो रही है, अगली मूव आएगी सबके पास से निकल जाएगा, नेल्को सबके पास से निकल जाएगा। जोमैटो देखो आप टूवर्ड्स 200 आ गया दीपांशु। अब मैं जब बात करता हूँ ना 185-190 में, कल इस वीकेंड में भी कई लोगों को बोला नहीं अब तो बहुत बढ़ गया, अब तो बहुत बढ़ गया। तो ये जो एक लंबी कंसोलिडेशन में स्टॉक होते हैं ना, जब वहां से एक मूव के बाद आते हैं ना, सबको लगता है कि हाथ से निकल गए और वो फिर वो अंडरओन्ड हो जाते हैं। तो इंडस तो अब मतलब उस कैटेगरी के अंदर आने जा रहा है कि अब ये स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। एक अगला मूव आ गया ना तो फिर ये सबके सबका माल खत्म हो जाएगा। बेल जैसे मैंने अभी बात की, बेल में भी वही 180-190-200, ये ऐसी कंसोलिडेशन से निकल के आया। आपने देखा होगा मैं रेयर रिकमेंडेशन देता था बेल के अंदर, मतलब मेरे वन ऑफ द रेयरेस्ट होगी एक दो साल के अंदर। वही पैटर्न मुझे उसके अंदर भी दिख रहा है, जिसके लिए मैंने राकेश जी को रेफर किया। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है, अगर राइट टाइम पे आप ले लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो उसके बाद एक बार निकल गया तो फिर वो निकल जाएगा। तो इंडस तो मुझे 300 के पार करके इतनी बड़ी फिरोशियस मूव आ गई है, इसके बाद अब नॉर्मल क्या होगा दीपांशु? हमारे से मतलब एक नॉर्मल ट्रेडर ट्रेडिंग का इन्वेस्टर जो होता है 2-3 महीने वाला कहेगा बहुत अच्छा हो गया। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री ऑनेस्टली इफ समबडी आस्क मी कि आप रिकमेंड कर रहे थे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा 33% बुक कर देना चाहिए या 50% बुक करना चाहिए, ऐसे ही बुक होता है। लेकिन अगर दम हो तो ये और ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन हमारा काम है प्रॉफिट बुकिंग जरूर कराते रहना चाहिए। बट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ऐसे ही स्टॉक्स होते हैं जो हम नेक्स्ट पड़ाव की तैयारी कर रहे हैं। यही स्टॉक्स